वैसे तो दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर वायु शून्य है, मतलब हवा है ही नहीं। लेकिन हमारे देश में भी एक ऐसा स्थान है जहां न सिर्फ वायु शून्य बल्कि जो भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आता है। यहां एक बात जान लेनी चाहिए कि भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्थान धरती के वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होते हैं, इसलिए ये इस प्रकार के स्थान बन जाते हैं जो कि तीसरी आयाम वाली धरती की किसी भी वस्तु से संपर्क तोड़ देते हैं। यानी कोई इंसान भी ऐसे किसी स्थान के संपर्क में जाता है तो वह पृथ्वी से गायब हो जाता है। दोस्तों, इस चौथे आयाम के बारे में मैं आपको आने वाले एपिसोड में डिटेल में बताऊंगा। शंगरीला घाटी ऐसी ही एक जगह है जहाँ कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। यह घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस घाटी को यदि आप देखना चाहते हैं तो बिना किसी तकनीकी के नहीं देख सकते। यह घाटी चौथे आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन से प्रभावित होने के कारण रहस्यमय बनी हुई है। बहुत से लोगों का कहना है कि इस घाटी का संपर्क अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया से भी है। इस घाटी के बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको काल विज्ञान नाम की एक प्राचीन किताब को पढ़ना पड़ेगा। यह पुस्तक आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है, जो तिब्बती भाषा में लिखी हुई है। इस पुस्तक में लिखा है कि इस तीन आयाम वाली यानी थर्ड डायमेंशन की दुनिया की हर वस्तु देश समय और नियति में बंधी हुई है। यानी हर वस्तु एक निश्चित स्थान समय और नियमों के हिसाब से काम करती है। लेकिन शंगरीला घाटी में समय नगण्य है, यानी वहाँ समय ना के बराबर है। हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ का एक सेकंड और हमारे यहाँ के सैकड़ों साल। शंगरीला घाटी में प्राण मन और विचारों की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर इस धरती पर आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वह सिर्फ शंगरीला घाटी ही है। अगर इस शंगरीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में चला जाए तो थर्ड डायमेंशन वाले इस जगत की दृष्टि में उसकी सत्ता गायब हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो वो जब वहां से वापस आएगा तब तक ना जाने धरती पर कितनी सदियां बीत गई होंगी, लेकिन शंगरीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहता है। और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व इस दुनिया में प्रकट होगा या नहीं होगा, मतलब किसी इंसान के वहां जाने के बाद वह वापस इस दुनिया में आएगा या नहीं, यह हम कह नहीं सकते, क्योंकि जब वो वहां से वापस आएगा तब तक धरती पर न जाने कितनी सदियां बीत गई होंगी। शंगरीला घाटी में जाने के बाद किसी इंसान की आयु बहुत धीमी गति से बढ़ती है। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने इस घाटी के क्षेत्र में 25 वर्ष की उम्र में प्रवेश किया तो उसका शरीर लंबे समय तक जवान ही बना रहेगा। शंगरीला आज आम इंसान के लिए अनजान जगह हो सकती है, किंतु उच्च स्तरीय अध्यात्म क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति इससे अनजान नहीं रह सकता। फिर वह व्यक्ति चाहे योग से या तंत्र से या किसी अन्य तरह के अध्यात्म क्षेत्र से जुड़ा हो, हाँ एक बात अवश्य होनी चाहिए कि उस इंसान की स्थिति उच्च अवश्य होनी चाहिए। शंगरीला घाटी भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अध्यात्म जगत का नियंत्रण और पथ प्रदर्शक क्षेत्र है, साथ ही इसको आम इंसान की दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता। इस घाटी को ना तो कोई देख सकता है और ना ही वहां जा सकता है। जब तक वहां रहने वाले सिद्ध ना चाहें तब तक, यहां तक कि इस क्षेत्र को पूरी चीनी सेना खोजते खोजते थक गई किंतु इस क्षेत्र को आज तक नहीं खोज पाई है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, शंगरीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं, जो कभी आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। यहाँ पर तीन साधना के केंद्र प्रसिद्ध हैं, पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। दोस्तों, ज्ञानगंज के बारे में मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। इन तीनों साधना केंद्रों पर आपको ऐसे अनेक योगी मिल जाएंगे जो जन्म मृत्यु के अधीन नहीं है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो सिद्ध करती हैं कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ समाप्त नहीं होता बल्कि किसी न किसी रूप में अस्तित्व बचा रहता है। इसे योग की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है।
मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में निवास करती है। सामान्यतः यह सूक्ष्म शरीर अल्प विकसित होते हैं व अधिक कुछ कर पाने में असमर्थ होते हैं। योगी लोग अपने जीवित रहते इस सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, जिससे यह बहुत कुछ कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में ऐसी ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का निवास स्थान है, जो अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। ये सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। शंगरीला घाटी में प्रवेश करने वाले एक योगी साधक के अनुभव के अनुसार उस स्थान पर ना तो सूर्य है और ना ही चांद की चांदनी। वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ है, जो कहां से आ रहा है ये किसी को नहीं पता। यह घाटी एक महान योगी की इच्छा शक्ति के वशीभूत है। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि इस जगह को कोई सामान्य साधक जान नहीं सकता और उच्च साधक भी अपनी इच्छा से इसे नहीं देख सकता। दोस्तों, समय समय पर कई पर्यटकों, खोजकर्ताओं, सैनिकों और लेखकों ने अपने लेखों के द्वारा इस जगह के बारे में खुलासा किया है। उन लोगों के अनुसार यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्य, जादू और रोमांच से भरपूर है। चीन ने इस जगह को बहुत खोजने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इसका पता नहीं लगा पाया है। कई लेखकों ने अपने लेखों द्वारा इस बात का भी जिक्र किया है कि इसी वजह से चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जब उसे यह जगह वहां नहीं मिली तो उसने भारत की तरफ देखा। बौद्धों के धर्मगुरु दलाई लामा ने इस शंगरीला घाटी के बारे में कहा था कि ऐसी किसी जगह का अस्तित्व नहीं है जो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसी जगह वाकई में हिमालय में मौजूद है, जिसे कोई आज तक नहीं ढूंढ पाया है। उनके अनुसार शंगरीला घाटी एक गुप्त जगह है जो दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है। मशहूर उपन्यासकार जेम्स हिल्टन ने 1933 में अपनी एक किताब लॉस्ट हेराइजन में इस जगह का जिक्र सबसे पहली बार किया था, जिस पर 1937 में हॉलीवुड की एक मूवी लॉस्ट हेराइजन भी बन चुकी है। दोस्तों, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह घाटी ही चीन के भारत पर आक्रमण करने का कारण रही है, क्योंकि चीन और भारत के युद्ध का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। इस बात को आज भी कोई स्पष्ट तरीके से नहीं जानता कि चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, उसने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया जब हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। हकीकत में चीन हिमालय पर कब्जा करना चाहता था और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहा। चीन ने भारत पर अटैक बहुत ही सोच समझ कर किया था, जिसकी हमें भनक भी ना थी। इसलिए सोचने वाली बात है कि चीन को पहाड़ों में क्या मिलता, वह उतने के बाद ही क्यों रुक जाता। चीन हमारी सेना को हरा कर कम से कम हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश को तो ले ही सकता था, किंतु उसने कोई राज्य नहीं लिया, उन क्षेत्रों पर ही अपना कब्जा किया जहां इस क्षेत्र के होने की संभावना है। कहा जाता है कि माओ से तुंग यानी माओ जेडोंग, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था, उसे अपनी आयु बढ़ाने और चिरंजीवी होने की सनक थी और वह उस क्षेत्र पर कब्जा करके मृत्यु पर जीत हासिल करना चाहता था। चीन को इस बात की जानकारी थी कि शंगरीला घाटी सिद्ध लामाओं, तांत्रिकों और योगियों का केंद्र है और वे लोग जो चाहते हैं वही होता है, इसलिए चीन जोर जबरदस्ती करके इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता था। उसकी सेना एक लामा का पीछा करते हुए भारत में घुसी थी, जिस क्षेत्र में लामा के गायब होने की आशंका थी। उस जगह पर चीन ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वह लामा उस क्षेत्र को अच्छे से जानता है। बहुत दिनों तक चीन की सेना ने इन क्षेत्रों के चप्पे चप्पे को छाना, लेकिन वे उसे ढूंढने में नाकामयाब रहे। उन क्षेत्रों पर चीन ने आज तक कब्जा जमाए रखा है। जब चीन को वह स्थान उस क्षेत्र में नहीं मिल रहा है तो उसको शक है कि सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में यह क्षेत्र हो सकता है, इसलिए कभी कभार इन क्षेत्रों पर अपना दावा जताता रहता है। यह शंगरीला घाटी की चमत्कारी शक्ति ही है जो चीन को इस कदर परेशान किए हुए है। इस घाटी में केवल भारत, तिब्बत, चीन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अलौकिक ऊर्जा संपन्न साधकों को मार्गदर्शन मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों न हो।
जहां आपको अनेक ऐसे साधक योगी मिल जाएंगे जो हजारों सालों से साधना में लीन होते हैं, लेकिन उन पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति महात्मा साधु योगी हिमालय पर तप करने चला गया। आप सोचिए कि वह इंसान हिमालय की बर्फ में कहां जाएगा। वह एक निश्चित योग्यता प्राप्त करने पर शंगरीला घाटी में बुला लिया जाता है उसे आगे की साधना और मार्गदर्शन के लिए। यहां से तालीम हासिल करने के बाद कुछ लोग वापस लौट आते हैं और यहां की साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। यह क्षेत्र कैलाश मानसरोवर के आसपास बताया जाता है, जिसे भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है, किंतु यह स्थान चमत्कारी शक्ति की वजह से दिखाई नहीं देता। महाभारत के बाद पांडव भी इसी क्षेत्र में आए थे। हो सकता है कि वे इसी क्षेत्र में गए हों। यह वह क्षेत्र है जो बिना किसी रोक टोक के उच्च स्तर के साधकों का मार्गदर्शन करता है और इस घाटी के सिद्ध स्वयं उन लोगों को खोज लेते हैं। सबसे रहस्यमय जगहों में से एक मानी जाती है। हिमालय में ऐसी कई राज दफन है जो आज के वैज्ञानिक जगत के समझ से परे है। दोस्तों, उन्हीं रहस्यों में से आज हम आपसे बात करेंगे ज्ञानगंज के बारे में, जिसे शांग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में छिपे ऐसे कई राज हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान सका। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो भारत में ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी फेमस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अमर होने का राज छिपा है। ये ऐसी जगह है जो सिर्फ सिद्ध पुरुषों को ही आसानी से मिलती है। यहाँ आम मनुष्य नहीं पहुंच पाता। ज्ञानगंज में कोई मृत्यु नहीं होती। यहाँ रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। इस मठ में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है, ये ना तो खुली आंखों से दिखाई देती है और ना ही ये सैटेलाइट में दिखती है। ये जगह किसी खास धर्म या कल्चर का नहीं है। लेखक जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट होरिजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शांग्रीला में इस जगह का जिक्र हुआ है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का संदर्भ आता है। इसमें इसे सिद्धाश्रम का नाम दिया गया है। लोगों का कहना है कि ये जगह किसी खास धर्म या कल्चर का नहीं है। जो भी इसके लायक होता है वह इसे ढूंढ सकता है। सन 1942 में एक अंग्रेज अफसर एलबी फेरल को इस जगह पर कुछ खास अनुभव हुए थे, जिसके बारे में उन्होंने सन 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में लेख प्रकाशित करवाए थे। तिब्बती बुद्धिस्ट का मानना है कि जब दुनिया में युद्ध होगा, शंभाला का 25वां शासक इस धरती को बचाने आएगा। अनादिकाल से हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संतों के लिए तपोभूमि रहा है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक काल के अनेकों संत योगी हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में तपस्या करते रहे हैं। महात्मा तैलंग स्वामी, लोकनाथ ब्रह्मचारी, हितलाल मिश्र, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती, प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, श्यामाचरण लाहिरी हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्मिक साधना करते रहे हैं। इस मठ और आश्रम के बारे में सभ्य जगत को जानकारी नहीं है। वे सामान्य पर्यटकों के निकट अलग से रहते हैं। इन आश्रमों में योग के साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। केवल उच्च कोटि के लोग ही इस मठों में प्रवेश कर पाते हैं। कविराज जी, जो कि स्वयं ज्ञानगंज के चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं, उन्होंने एक पुस्तक में लिखा था कि ज्ञानगंज हमारी इस परिचित पृथ्वी पर एक विशेष गुप्त स्थान है, किंतु वह इतना गुप्त है कि विशिष्ट शक्तियों के विकास न होने से तथा उस स्थान के अधिशाष्टता की आज्ञा न होने से मृत्युलोक के जीव को दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी कुछ चर्चाओं में जिक्र किया है कि द्वितीय महायुद्ध के समय दो जर्मनी पर्यटक गिरफ्तारी के भय से नेपाल के रास्ते तिब्बत की ओर भाग गए थे। वहां वे एक ऐसे मठ में थे जहां सभ्य जगत की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। युद्ध समाप्त होने के काफी दिन बाद वे पैदल भारत की ओर रवाना हुए। इनकी राम कहानी सुनकर लोग चकित हो गए। हिमालय जैसे क्षेत्र में विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, इसकी जानकारी संसार को नहीं है। लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सिद्ध योगी और सन्यासियों ने कहा है कि ज्ञानगंज के साथ कहीं से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। दवा या किसी भी प्रकार का यंत्र आदि वहां से मंगाया जा सकता है और अन्य सामग्री उपयोग के लिए ज्ञानगंज से आश्रम वासी उनकी इच्छा अनुसार भेज देते हैं। स्वर्गीय नारायण दास श्रीमाली ने इस विषय पर कहा है, सिद्धाश्रम एक ऐसा संसार है जिसमें परम शक्तिशाली योगियों सहित सतयुग, त्रेता व द्वापर युग के कई महान ऋषियों, जिनमें रामकृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ,
कृपाचार्य आदि का समय समय पर विचरण होता रहता है। सिद्धाश्रम में हजारों वर्षों से सूक्ष्म शरीर में जीवित ऐसे योगी मात्र श्वास को अपना ग्रास बनाकर समाधि मुद्रा में यहाँ लीन है। सतयुग त्रेता द्वापर युग कालीन योगियों के अभी तक जीवित होने पर प्रत्येक मनुष्य को आश्चर्य अवश्य हो सकता है, किंतु कई सिद्ध पुरुषों ने उनके संपर्क होने और तमाम रहस्यात्मक बातों से परिचित होने का दावा किया है। दावा तो ये तक है कि ऐसे योगी समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को अपने वश में रखते हैं तथा कायनात की हर संरचना को परिवर्तित कर उसे नया स्वरूप दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जब तक विज्ञान की कसौटी पर कोई तथ्य साबित नहीं होता, तब तक उसे एक रहस्य, मिस्ट्री या मान्यताओं का रूप दे दिया जाता है। पर समय समय पर परम योगी और सन्यासियों द्वारा सिद्धाश्रम के बारे में सुना गया है। ये एक ऐसा जगत है जो हमारे जगत से कहीं गुना ज्यादा उन्नत है। यहाँ की हर अवस्था हमारी अवस्था से कहीं गुना अग्रिम है।